हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनजी जोड़ी क्लासेस में। तो आज फिर से हम खूबसूरत से इयररिंग्स बनाने वाले हैं। तो आपको चाहिए एक लाइट वेट सा कार्डबोर्ड, जैसे कि शादी के कार्ड वगैरह, या फिर आप एक प्लास्टिक शीट भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक शीट का एक पीस लिया है और साथ में मैंने कुछ राइनस्टोन्स लिए हैं और पर्ल चेन एंड स्टोन चेन का यूज़ करेंगे। तो टोटल 3 चेन्स लिए हैं मैंने, और एक पर्ल चेन और 2 स्टोन चेन, और इनकी लेंथ अलग अलग रखी है मैंने। तो आप लॉन्ग या शॉर्ट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं 27,000 ग्लू का यूज़ करूँगी और बीच में हमें ग्लू को अप्लाई करना है, और उसके बाद दोनों स्टोन्स को यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। और आप टूथपिक का यूज़ कर सकते हो इन्हें सेट करने के लिए, या जो नीडल वगैरह। अब साइड्स में ग्लू लगाने के बाद सबसे लंबे वाला जो चेन है, स्टोन चेन, उसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ। तो एक साइड पे लेंथ को कम रखेंगे, दूसरी साइड पे ज़्यादा। तो मेरे से थोड़ा ज़्यादा कट हो गया है जो स्टोन चेन है, तो बाद में मैं इन्हें सेट कर लूँगी। और फिर से ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पर्ल चेन। तो पर्ल चेन को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर पर्ल चेन की लेंथ मैंने स्टोन चेन से थोड़ी सी कम रखी है। और आप कोई टूल ले सकते हो, जैसे कि टूथपिक या नीडल वगैरह, इन्हें सेट करने के लिए, अदरवाइज ग्लू आपके हाथों पे लगता रहेगा। तो अब हमें लास्ट वाला जो पीस है वो फिक्स करना है। तो हमें फिर से यहाँ पे ग्लू अप्लाई करना है, और आप यही वाली ग्लू का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ फैब्रिक ग्लू है तो आप ये डिज़ाइन प्लास्टिक शीट पे ना बनाएं। इसे आप लाइट वेट कोई कार्डबोर्ड ले सकते हो, जैसे कि टूथपेस्ट का बॉक्स होता है, या फिर हमारे किचन में लाइट वेट बॉक्सेस हमें मिल जाते हैं, तो उस पर डिज़ाइन आप फैब्रिक ग्लू के साथ ईजिली बना सकते हो। तो देखिए, हमें नीडल के साथ अच्छे से स्टोन्स को सेट कर देना है, क्योंकि ये जो ग्लू है ये हाथों पे बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हमें टूल की ज़रूरत पड़ेगी इन्हें सेट करने के लिए। अब ये फिक्स हो चुके हैं अच्छे से, लेकिन हम थोड़ा ग्लू साइड्स पे लगा देंगे, दोनों साइड्स पे। और अब जो ऊपर एक्स्ट्रा हमारी प्लास्टिक शीट नज़र आ रही है उसे भी हमें कट कर देना है, और जो लॉन्ग लेंथ है इसे भी हम शॉर्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि मैंने अंदाजे से ही स्टोन चेन और पर्ल चेन ले लिया था। और आप चाहो तो दोनों साइड्स पे इक्वल भी रख सकते हो चेन्स को, तब भी ये डिज़ाइन अच्छा बनेगा। जैसे कि मैंने एक साइड पे शॉर्ट रखा है, दूसरी साइड पे लॉन्ग, तो आप दोनों साइड्स पे इक्वल कर सकते हो। अब हमारा फ्रंट का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, तो हमें बैक की तरफ ग्लू अप्लाई करना है और अपना स्टड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो थोड़ी देर हमें ड्राई होने के लिए रख देना है, और ये जो ग्लू है ये जल्दी वर्क करता है, तो जल्दी ही आपके इयररिंग्स रेडी हो जाएंगे इस तरह से। तो देखिए, इयररिंग्स हमारे बन चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे। तो प्लीज़ लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको पसंद आए हों तो मेरे चैनल अंजू ज्वेलरी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, न्यू ज्वेलरी आइडिया सीखने के लिए।